यूपी वैली में आज हम आपको दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं बाबा नारायण साकार हरि की वो कहानी जिसे शायद आप अब तक नहीं जानते हैं। हाथरस हादसे के ऊपर बात करेंगे आज हम एक प्याली यूपी वाली में। परमात्मा का वचन और सेवा और ये सत्य का अभ्यास, अगर आप इन तीनों शब्दों को पकड़ा और चलते रहे। बदनाम बाबा का रहस्य लो, देखेंगे इस सिंहासन को। इसी सिंहासन पे बैठ के पिछले 10 वर्षों से बाबा भोले जो सूरजपाल है वो यहाँ पे कुर्सी पे बैठ के बाबा भोले बन जाता है, नारायण साकार हरि बन जाता है और यहीं से लाखों लोगों को प्रवचन देता है। फिलहाल इस समय हम सिकंदरा राव में मौजूद हैं और जब ये प्रवचन चल रहा था, जब उसके बाद भगदड़ मची, उस दौरान भी बाबा इसी सिंहासन पे बैठ के प्रवचन दे रहा था। और आप, मैं कैमरामैन से कहूंगा नरेश जी से, वो आपको दिखाए सिंहासन। चांदी का वर्क किया गया है बाकायदा, इसमें दो शेर बने हुए हैं, जो पाए हैं वो भी चांदी के वर्क के बने हुए हैं। और ये आलीशान सिंहासन जहां जहां बाबा अपने प्रवचन देने सत्संग में जाया करता था वहां पर इसको ले जाया करता था। फिलहाल बताया जा रहा है कि ये बदायूं से आया है। सिपाही की वर्दी उतार, पहना संत का चोला। वर्तमान समय में वही माध्यम है सभी को सदमति और सदबुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। स्टाइलिश बाबा के हर पाखंड का खुलासा। ये आप देख सकते हैं, ये कार्ड है जिस पर लिखा हुआ है सुरक्षा सेना। ये बाबा की सुरक्षा सेना में तैनात मीरा देवी का कार्ड है जो कि हाथरस का है। ऐसे कई अहम दस्तावेज न्यूज 18 के हाथ में लगे हैं। न्यूज 18 अपने करोड़ों दर्शकों को दिखा रहा है कि आप देख सकते हैं ऐसे कई कार्ड हैं यहाँ पर जो ये कार्ड आप देख सकते हैं। ये जल सेवा का कार्ड है, जो जल की सेवा कार्यक्रम में आए जितने भी भक्त थे जो बाबा के प्रवचन सुनने आते थे, उनके उनकी सेवा में लगे हुए जो भी लोग थे उनको बाकायदा कार्ड बनाए जाते थे। हाथरस में हाहाकार, कौन है नारायण सरकार। करीब 8-10 साल से ये भोले बाबा के सत्संग में जाने लगे, अपनी सहेलियों के साथ, अपने भाभियों के साथ, अपने और किसी के साथ। और मैं इनसे मना करता था कि देखो भाई, इन बाबाओं पर कुछ नहीं रखा है, हाल तुम पैसा खर्च कर रही हो, वो हो ये हो, चारों तरफ भाग रही हो, उनपे ही अगर बाबा पे हो तो फिर सब चीज़ बंद कर दें, बाबा ही में बैठ करके फायदा उठा लें। लेकिन साहबी मेरी एक नहीं मानी बात। धीरे धीरे 10 साल के अंदर बहुत हल्की 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 अब यहाँ तक बढ़ गई। उन्होंने ये कह दिया कि साहब ये मेरा, ये मैं इनको पति मानती ही नहीं, मेरा तो पति परमेश्वर नारायण साकार ही। व्यक्ति विशेष सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि। इस संसार में भी यश पाओगे और जीते जी एहसास करोगे, महसूस करोगे, देखोगे कि अब मेरा भविष्य बेड़ा पार हो गया। यूपी पुलिस का एक सिपाही जो नौकरी छोड़कर सत्संग की राह पर निकला, लेकिन धीरे धीरे अंधविश्वास और पाखंड के दम पर उसने ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया जिससे अनगिनत आश्रम, अकूत संपत्ति अंधी आस्था रखने वाले लाखों भक्त और प्राइवेट आर्मी से लेकर गाड़ियों के काफिले तक सब कुछ शामिल है। लेकिन इस बाबा के साम्राज्य के पीछे के काले सच का खुलासा हुआ हाथरस में हादसे के बाद। सबसे दुखद पहलू ये है कि इस हादसे में 121 लोगों ने बाबा की भक्ति की कीमत अपनी जान गंवा कर चुकाई। लेकिन इसके बाद एक एक करके बाबा के पाखंड का हर पहलू दुनिया के सामने आ गया। बाबा के भक्त करीब 6 राज्यों के कई जिलों में लाखों की तादाद में हैं। आज इसी बदनाम बाबा के हर पाखंड, हर अंधविश्वास के पैतरे और सूरजपाल की नारायण साकार हरि बनने की हर कहानी बताएंगे। इस संसार में भी यश पाओगे और जीते जी एहसास करोगे, महसूस करोगे, देखोगे कि अब मेरा भविष्य बेड़ा पार हो गया। तो हाथरस हादसे के बाद से हर किसी की जुबान पर एक ही नाम है, नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल बाबा। 121 जानों की आहुति लेने वाले इस बाबा के सत्संग के बाद इसकी पड़ताल शुरू हो गई है, तो कई काले राज भी खुल रहे हैं। देश भर में
24 आश्रम, करोड़ों की संपत्ति, प्राइवेट आर्मी, अंधविश्वास के जरिए लोगों को बहकाना और इतनी बड़ी विभीषिका के बाद भी कोई पश्चाताप ना होना, कौन है ये बाबा? कैसे इसके एक आम सिपाही की नौकरी से महंगी गाड़ियों और महंगे कपड़ों में रहने वाले बाबा तक का सफर तय किया है? आज व्यक्ति विशेष में देखिए नारायण साकार हरि। अरे एक भीड़ थी, वो एक दूसरे को करो गए बच्चे। उत्तर प्रदेश में हाथरस जिले के सिकंदरा राव इलाके के फुलराई गांव में आयोजित इस सत्संग में मची भगदड़ से 121 लोगों की मौत हुई। ये सत्संग नारायण साकार हरि नाम के कथावाचक का था, जिसके पोस्टर हाथरस की सड़कों पर लगाए गए थे। इस कथावाचक को लोग भोले बाबा और विश्व हरि के नाम से भी जानते हैं। जुलाई महीने के पहले मंगलवार को होने वाले आयोजन को मानव मंगल मिलन कहा गया था। इस समिति के 6 आयोजकों को अब सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। देखिए अभी इनके विस्तृत बैंक खातों की डिटेल्स खंगाली जा रही है, पत्राचार करा जा रहा है, आयकर विभाग से बातचीत करी जा रही है, राजस्व विभाग से जितनी भी चल अचल संपत्ति है उसके बारे में बात करी जा रही है, और जो कोई भी इस पे राजनीतिक दल इसमें अपने राजनीतिक कारणों से या निजी कारणों से जुड़ रहे हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। अब इस सत्संग वाले बाबा की असली कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। सूरजपाल जाटव नाम का ये एक पुलिस कांस्टेबल नौकरी छोड़कर ये रास्ता अपनाता है और देखते देखते लाखों भक्त उसके दीवाने हो जाते हैं। नारायण साकार हरि एटा जिले से अलग हुए कासगंज जिले के पटियाली के बहादुरपुरा गांव का निवासी है। उत्तर प्रदेश पुलिस की नौकरी के शुरुआती दिनों में वो LIU में भी तैनात रहा और करीब 28 साल पहले छेड़खानी के एक मामले में निलंबन की सजा मिली। निलंबन के बाद सूरजपाल जाटव को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। हालांकि इससे पहले सूरजपाल जाटव करीब 18 पुलिस थानों और LIU में अपनी सेवाएं दे चुका था। छेड़खानी वाले मामले में सूरजपाल एटा जेल में काफी समय तक बंद रहा और रिहाई के बाद ही सूरजपाल बाबा की शक्ल में लोगों के सामने आया। पुलिस सेवा से बर्खास्त होने के बाद सूरजपाल अदालत की शरण में गए, फिर उनकी नौकरी बहाल हो गई। लेकिन 2002 में आगरा जिले से सूरजपाल ने VRS ले लिया। न्यूज 18 के कैमरे पर कई गवाहों ने बाबा के डर से बोलने से इनकार किया, लेकिन ऑफ द कैमरा उन्होंने दावा जरूर किया कि सरकारी नौकरी पर बैठे ये लोग अपनी काली कमाई ट्रस्ट में खपाने का काम करते हैं। हम इस दावे की पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन सवाल जरूर उठाते हैं, आखिर 20,000 से 25,000 की नौकरी करने वाले लोग ये लाखों में दान कहां से लाते हैं? पुलिस सेवा छोड़ने के बाद सूरजपाल जाटव अपने गांव नगला बहादुरपुर पहुंचा, जहां कुछ दिन रुकने के बाद उसने ईश्वर से संवाद होने का दावा किया और खुद को भोले बाबा के तौर पर स्थापित करने में लग गया। कुछ सालों के अंदर ही उसके भक्त कई नामों से उसे बुलाने लगे और इनके बड़े बड़े आयोजन शुरू हो गए, जिनमें हजारों लोग शरीक होने लगे। बाबा के भक्त आम आदमी ही नहीं बल्कि बड़े बड़े पदों पर बैठे सरकारी अधिकारी भी हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ लोग आते हैं जो कि बाबा के भक्त हैं। वहीं ऐसे भक्त दान लिस्ट में अपना नाम लिखवाना नहीं चाहते हैं, लेकिन बाबा के पास ऐसे भक्तों के लिए एक गुप्त दान का ऑप्शन है। लोग ये भी बताते हैं कि यही गुप्त दान बाबा के लिए सोने की खदान है। 75 साल के सूरजपाल उर्फ भोले बाबा 3 भाई हैं। सबसे बड़े सूरजपाल हैं, दूसरे नंबर पर भगवान दास हैं जिनकी मौत हो चुकी है, और तीसरे नंबर पर राकेश कुमार हैं जो ग्राम प्रधान भी रह चुके हैं। अपने गांव में अब बाबा का आना जाना कम रहता है, हालांकि बहादुरपुर गांव में बाबा का चैरिटेबल ट्रस्ट अब भी सक्रिय है। कहने वाले जो कहते हैं हमारे हिसाब से जो हमारी सोच है वो बिल्कुल है, जो चमत्कारी कह रहे हैं कि कोई चमत्कारी नहीं है। उनकी जो पूर्ण उनके अंदर जो सत्ता है, जो पावर है, जो शक्ति है, हम कहते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देती है। जैसे कहते हैं कि भूख है वो दिखाई नहीं देती है, प्यास दिखाई नहीं देती है, इसलिए जो शक्ति है हमारी आस्था श्रद्धा है वो अंतर आत्मा की बात को वो जानते हैं, क्योंकि हमें जी समझ लगी है
कि अंतरात्मा की सिर्फ जानने वाले नारायण हरि परमात्मा है, उसके अलावा संसार में कोई जानने वाला नहीं है। हमने बहुत जगह जगह पर देखा, डोंग पखंड अंडम्बर था, यहाँ किसी तरह का भी ऐसा हमारे को डोंग पखंड अंडम्बर अंधविश्वास कहीं चढ़ावा, कोई गुरु चेला, कोई पैर छूना, कोई जातिवाद का अमीर गरीब किसी तरह का कोई भी नहीं लगा। इससे सबसे बड़ा ये हमें लगा है कहीं ना कहीं जरूर किसी के रूप में दिया लिया जाता है, यहाँ इस तरह का कोई भी धन दौलत लेना देना किसी भी तरह का नहीं। दिलचस्प ये भी है कि नारायण साकार दावा करता है कि वो अपने भक्तों से कोई दान दक्षिणा या चढ़ावा नहीं लेता, लेकिन इसके बावजूद उसके कई आश्रम बन चुके हैं और वो अकूत संपत्ति का मालिक है। आलीशान आश्रम और गाड़ियों का काफिला इसकी तस्दीक करता है कि सूरजपाल के पास भारी भरकम संपत्ति है। सूरजपाल बाबा हमेशा सफेद कपड़ों में दिखता है। नारायण साकार पैजामा कुर्ता शर्ट पैंट और सूट तक में नजर आता है, साथ ही वो स्टाइलिश रंगीन चश्मों का भी शौकीन है। हालांकि इंटरनेट पर वो बहुत कम सक्रिय रहता है, सोशल मीडिया पर इसके भक्तों की बहुत ज्यादा मौजूदगी नहीं है, बल्कि उसके सत्संग में वीडियो बनाने पर भी सख्त मनाही है। इसके लिए वो प्रवचन के दौरान अलग टीम बनाकर रखता है जो वीडियो बनाने वालों को रोकती है और उन पर निगरानी रखती है। क्या है ये बूटी प्रसाद? ये हमारे प्रभु का अमृत बूटी प्रसाद है। ये जिस कमेटी सेवा करने आती है वो बूटी प्रसाद बना के रखती है। जो संत भक्त आते हैं पहले नमन करते हैं, फिर बूटी प्रसाद पीते हैं, फिर जो सेवा मिली वो अपनी अपनी सेवा करते हैं। क्या है इस बूटी प्रसाद में, क्या क्या मिला है इसका बताइए कैसे? इस बूटी प्रसाद में मिला है नमक, गुरुज, पिपड़ी, दालचीनी, लौंग। कहते हैं इसको पीने से कष्ट भी दूर होते हैं ऐसा कुछ? हाँ जी सर। इसका भोग लगता है पहले? नहीं भोग, हाँ वो तो भोग अपने अपने घरों में लगता है, यहाँ भी लगता है, लेकिन जो कमेटी मतलब बनाती है वो पहले वहीं भोग लगा लेती है, इसके बाद ये पिलाती भक्तों को अपने। हाथरस में इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद उसके भक्त उसे भगवान मानते हैं। उधर सूरजपाल भी इतने बड़े हादसे के बावजूद उसी शिद्दत से महामंत्र जपने के निर्देश देता दिखा है। कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन मन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है, सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा लोगों के अंधविश्वास का पूरा फायदा उठाता है। उसने 8 हैंडपंप को अपने आश्रम में लगाए थे। यहाँ के लोगों का दावा है कि ये हैंडपंप बड़े मर्जों का इलाज करते हैं। इनके पानी को पीने से लोग ठीक हुए हैं, बीमारी भागती है, हर परेशानी दूर होती है। बाबा के इस आश्रम में आने वाले लोग बोतलों में भर कर इस हैंडपंप का पानी अपने घर लेकर जाते हैं। उन्हें फल मिलता है तभी वो यहाँ पर हर बार आते हैं और इस पानी का इस्तेमाल जादुई शक्तियों के रूप में करते हैं। इसके अलावा बाबा के चरणों की धूल को लेकर भी बड़ा अंधविश्वास है। लोग बाबा के चरणों की धूल को माथे से लगाते हैं और अपने घर लेकर जाते हैं। इसी अंधविश्वास का फायदा उठाकर सिपाही सूरजपाल संत का चोला ओढ़कर नारायण साकार हरि बन बैठा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। साकार हरि बाबा की अपनी फौज है, हल्के गुलाबी रंग की पैंट शर्ट, पुलिस बेल्ट, हाथ में लाठी और सीटी लेकर हजारों की संख्या में इनके स्वयंसेवक कार्यक्रम स्थल और सड़कों पर चप्पे चप्पे पर तैनात रहते हैं। एक नजर में देखने पर यह होमगार्ड जैसा कोई अनुशासित बल दिखाई देता है। बड़ी संख्या में महिलाएं स्वयंसेवक भी तैनात रहती हैं। बाबा की प्राइवेट आर्मी पर एक रिपोर्ट देखिए। बाबा के किस्सों में सबसे अहम किस्सा जो है वो है उसकी प्राइवेट सेना का। इसमें ब्लैक कमांडो से लेकर सिक्योरिटी अफसर तक की वो तैनाती करता था। बाबा सूरजपाल की प्राइवेट आर्मी में नारायणी सेना, हरिवाहक और गड़ू योद्धा नाम की तीन टुकड़ियां हैं। बताया जाता है कि नारायणी सेना के सुरक्षा गार्ड गुलाबी रंग की ड्रेस पहनते हैं, हरिवाहक दस्ते के सुरक्षा गार्ड भूरे रंग की ड्रेस पहनते हैं, जबकि गरुड़ सेना काली ड्रेस पहनती है। इन्हें ही ब्लैक कमांडो कहा जाता है। सबसे बाहरी सुरक्षा पिंक आर्मी करती है।
फिर हरिपाक दस्ता होता है। बाबा के सबसे करीब गरुड़ योद्धा यानी कि ब्लैक कमांडो रहते हैं। बाबा की नारायणी सेना यानी पिंक आर्मी में 5000 लोगों की तैनाती होती है। वहीं हरिवाहक सेना की टुकड़ी में 25 से 30 सिक्योरिटी अधिकारी होते हैं। इसके साथ ही गरुड़ योद्धा यानी ब्लैक कैट कमांडो की संख्या 100 होती है। जिस तरह से आर्मी में कई बटालियन बनाई जाती हैं, कई प्लाटून बनाई जाती हैं, इसी तरह से बाबा की सुरक्षा में भी प्लाटून तय बनाई जाती थी जो कि उनकी सुरक्षा में आगे पीछे लगती थी। ब्लैक कमांडो, गरुड़ कमांडो, नारायणी सेना, ऐसे कई नामों से बाबा की सुरक्षा में तैनात जो लोग लगाए जाते थे उनको ये कैडर दिया जाता था। अब हम आपको दिखाएंगे, ये एक पेपर है, इस पर साफ तौर से आप देख सकते हैं नारायण सरकार का नाम लिखा हुआ है सदा, और ये प्लाटून नंबर 1 है, प्लाटून नंबर 1 सेक्शन 1, इस पे इन सभी के नाम है जो बाबा की प्लाटून नंबर 1 में लगे हुए थे और सेक्शन 1 है, ऐसी कई तरह से। और नीचे भी आप देख सकते हैं, इस पे साफ तौर से दिख रहा है प्लाटून नंबर 1 और सेक्शन 2। आप देख सकते हैं कि सेक्शन 1 में लगभग 11 लोग हैं, 11 लोगों का नाम, उनके पिता का नाम और उनका पता और उनके मोबाइल नंबर और सेवा, जहां उनकी सेवा लगी हुई है बाकायदा, उसमें साफ तौर से देख रहे हैं आपकी पूरा समीक्षा रिपोर्ट भी है इसमें। कुसुम देवी ने इस पूरे की समीक्षा की है और उसके बाद ये कागज तैयार किया गया है। जिस तरह से आर्मी में बटालियन बनाई जाती है वैसे ही बाबा की सुरक्षा में प्लाटून बनाए जाते हैं जो उनकी सुरक्षा में लगे रहते थे। ब्लैक कमांडो, गरुड़ कमांडो, नारायणी सेना, ऐसे कई नामों से सुरक्षा में तैनात लोगों को कैडर दिया जाता था। बाबा की आर्मी में उनके अनुयायियों को ही शामिल किया जाता है। उसकी प्राइवेट आर्मी में 18 से 40 साल के युवक ज्यादा होते हैं। इन्हें ड्रेस दी जाती है, इसके साथ में सीटी और डंडा भी होता है। बाबा की सुरक्षा 3-लेयर सिक्योरिटी में सबसे करीब कमांडो रहते हैं और बाबा की सुरक्षा और सत्संग में तैनात उसकी निजी सेना के जवान भीड़ को अपने कंट्रोल में रखते थे। यहां तक कि सत्संग का वीडियो बनाने के लिए भी लोगों को रोकते थे। जैसे कि भगवान कृष्ण ने अपने हाथ में सुदर्शन चक्र उठाया था, ऐसे ही बाबा का ये एक लोगो है, आप साफ देख सकते हैं कि जिस पे पीछे लिखा हुआ है सुदर्शन चक्र उंगली पर छपा हुआ है। ऐसे अहम कागज, अहम कार्ड यहाँ पर पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं ये ताराचंद का कार्ड है जो जिला मुख्य सेवादार है, जो बाबा की सुरक्षा में लगे हुए थे। और आप देख सकते हैं कि इस पे साफ तौर से लिखा है नारायण सरकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, और उंगली पर सुदर्शन चक्र का लोगो है जो कि बाबा का बताया जाता है। ये सुरक्षा सेवा में लगी हुई गुड्डी देवी है, ये उनका पहचान पत्र है। मतलब बाबा अपने हर सत्संग में अपनी सुरक्षा की पूरी प्लानिंग बनाकर चलता था। इसके बावजूद भी उसके इन सेवादारों की वजह से हाथरस पे इतना बड़ा हादसा हो गया। हाथ में लाठी और सीटी लेकर हजारों की संख्या में इसकी प्राइवेट आर्मी अगर अपना काम सही से करती तो इन लोगों की जान बचाई जा सकती थी। यानी सत्संग से जुड़ी हर सुरक्षा की जिम्मेदारी ये प्राइवेट आर्मी करती थी। यही नहीं, बताया जा रहा है कि भगदड़ के वक्त बाबा को सुरक्षित निकाल कर ले जाने वाली यही प्राइवेट आर्मी थी, और उसके बाद ये कागज तैयार किया गया है। ऐसे ही एक और कागज यहाँ और भी मौजूद है जो वर्दीधारी भाई बहन सेवादार हैं, इनकी उपस्थिति की सूची बकायदा तैयार की जाती थी। ये पूरे परफॉर्मा बाबा की सुरक्षा में लगने वाले उन सेवादारों के हैं, उन सुरक्षा कर्मियों के हैं, जिनकी सूची ये पूरी तरह से तैयार बाबा के लोग करते थे। आप देख सकते हैं वर्दीधारी भाई बहन सेवादार उपस्थिति सूची, जितने लोग उपस्थित होते थे उनके नाम के आगे ए लगता था, पी लगता था, आप देख सकते हैं साफ तौर से उनका नाम, बल्दियत क्रमांक और उसकी पूरी बाकायदा कई महीनों से इसकी पूरी तैयारी की गई थी। बाबा के रहस्यों से एक एक करके पर्दा उठ रहा है, और इन रहस्यों में सबसे दिलचस्प है ये पिंक आर्मी जिसमें 5000 से ज्यादा जवान शामिल हैं, और इससे ज्यादा चर्चा में है बाबा की महिला सेना जिसे बाबा सूरजपाल ने एक खास जिम्मेदारी दे रखी थी। बाबा सूरजपाल के हर सत्संग में इस महिला कमांडो की फोर्स नजर आती थी। सत्संग की 3-लेयर सिक्योरिटी में इस महिला प्लाटून कमांडर की टुकड़ियों का अहम रोल होता था। हाथरस कांड में एक्शन लगातार जारी है, मुख्य आयोजक और 1 लाख का इनामी मधुकर गिरफ्तार किया जा चुका है और जांच टीम उससे हर राज उगलवाने में लगी है। उधर अभी तक इस मामले में 8 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, साथ ही दान देने वालों की लिस्ट को भी खंगाला जा रहा है।
छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।